हाँ जी, क्या प्रॉब्लम रहती है आपको? सर मैनू एसिडिटी और गैस प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मैं सारा दिन जी साड़ी दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित हो जाती है। असं हर अद्धे घंटे दो घंटे बाद चाह पीने है। मैं काली पत्ती वाली जी चाह होंगी है वह मैं छड़ना भी नहीं चाहता। कोई ऐसा नुस्खा दसो जिदे मैनू एसिडिटी और गैस ना हो। जो काली पत्ती वाली चाय गैस एसिडिटी करती है सभी लोगों को जिनको गैस एसिडिटी बनती है, लेकिन हम ऐसा नुस्खा बताएंगे जिससे कि गैस एसिडिटी ना करें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है पानी को उबालना है जी। अगर एक कप चाय बना रहे हो तो आधा चम्मच सौंफ डालनी है और उसको अच्छी तरह उबालना है। जब उसका पीला कलर आ जाएगा फिर उसमें चाय पत्ती डालनी है, लेकिन आधा मिनट उबालनी है। फिर उसके नुकसान नहीं करते आधा मिनट, जब ज़्यादा उबलती रहती है चाय नुकसान करती है, वो फिर गैस एसिडिटी करती है। तो हमने क्या करना है, चाय को उबलने देना है आधा मिनट तक, फिर उसके बाद हमने चाय पत्ती काली डालनी है, फिर काली पत्ती डाल के आधा मिनट उबालनी है। जब उबल जाएगी फिर उसके बाद हमने दूध डालना है, दूध डालकर एक उबाला देना है। फिर इसकी चाय के जो साइड इफेक्ट हैं उसके लिए हमने तुलसी ड्राप, तुलसी विषनाशक का है आयुर्वेदिक में, तो एक बूंद हमने डाल देनी है एक कप चाय के लिए। तो हमारी चाय बन के तैयार हो गई है, उससे नुकसान भी नहीं होगा और गैस एसिडिटी भी नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। तो इस चाय को आप दो बार चार बार पी सकते हो।